पर्सन, अब मैं अपना चैनल दोबारा से कॉन्सेंट्रेट कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिले और कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। तो आज हम देखेंगे स्प्लिट एसी की सर्विस विद अ जेट पंप, उसके लिए क्या क्या सेफ्टी टिप्स चाहिए, कैसे कैसे एसी को सर्विस करना है, कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फिर भी अगर आपको लगे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, इसकी कॉइल ज़्यादा गंदी नहीं है, बिकॉज एसी की जो सर्विस है वो मैं हर लगभग 2 महीने में 1.5 महीने में मैं खुद ही कर देता हूँ। ये एक्चुअली मेरे बहुत खास फ्रेंड है उनका एसी है, तो इसके जो अंदर का ब्लोर है, मेरे बहुत खास फ्रेंड है उनका एसी है, तो इसके जो अंदर का ब्लोर है आप देख पा रहे हैं, मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ इसकी, आप ब्लोर देखिए, ब्लोर भी क्लीन है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। क्योंकि आपको बताने के लिए, आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए कि एसी की सर्विस कैसे होती है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका लिंक बना के डाल। तो यहाँ से हम इसको सेट करेंगे, सबसे पहले ऊपर की सेट बिठाएंगे ताकि वो सेट हो जाए। किसी भी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको सर पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे, यहाँ से ये कवर टाइट हो जाएगा, इसको यहाँ सेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जेनविनिटी के हिसाब से आती है ये। गन है इसको उठाएंगे ऊपर, जो गन है इसका जो मुंह है वो बिल्कुल सॉफ्टली स्लोली स्लोली हम पानी इस पर मारेंगे, ताकि जो डस्ट है जितनी भी तलब करके बिल्कुल भी नहीं मारना, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपना आप अंदर में पानी लगा चुका हूँ, तब तक वहाँ से मिट्टी लूज हो जाएगी, अब हमें जो फ्लोर है इसका उस पर पानी, और वैसे भी ऐसी साफ ही है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लीन पड़ी है इसकी, तो चलिए अब इसको 5 मिनट हम लोग हम आगे की कार्रवाई फिर इसको पैक कर सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बाहर चलते हैं इस आउटडोर को सर्विस करने, आप देख पा रहे होंगे बट बहुत कम लेवल की गंदगी है इसके अंदर, बिकॉज हर 2 महीने में अगर ऐसी सर्विस होता रहे तो उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती कि उसके लिए परेशान किया जाए, तो जस्ट सिर्फ आपको बताने के लिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आउटडोर की सर्विस। आउटडोर की सर्विस बहुत ज़्यादा सिंपल, इसके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्लीन करना होता है और कुछ खास नहीं है इसका, ये नॉट एनी टाइप ऑफ रॉकेट साइंस। सर्विस हो चुका है, यहाँ कंप्रेसर हो चुका है, 26 डिग्री पर कंप्रेसर हो चुका है, देखते हैं कितनी जल्दी यहाँ कंप्रेसर धीरे धीरे स्लोली स्लोली हम फिर पड़ जाएंगे, बिकॉज ऐसी सर्विस हो चुका है, थोड़ी क्वाइल की